हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि अतीक्षा ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, रक्षाबंधन आने वाला है और रक्षाबंधन के दिन हम भाइयों को राखी बांधते हैं, उसके साथ में मिठाई खिलाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना एक घर पे ही मिठाई बनाई जाए जो टेस्टी भी हो और हेल्दी भी हो। तो मैं आज आपसे उसी मिठाई की रेसिपी शेयर करूँगी। चलिए देखते हैं वो मिठाई बनती कैसे है। अगर आपको पसंद आएगी तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताना आपको कैसी लगी है रेसिपी, और कुछ न्यू आइडियाज़ होंगे मुझे बताना। चलिए अब बताते हैं कि इस मिठाई को बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कढ़ाई की, आधा कटोरी ये सूजी है। जितना आपका सूजी होगा उतना उसका डबल आपको दूध लेना है। एक कटोरी चीनी है, कुछ पिस्ता के दाने हैं, नारियल का बुरादा है, ये अगर आपके पास हो तो भी ठीक, नहीं है तो स्किप कर सकते हो। इलायची का पाउडर है, घी, ये घी एक चम्मच है और इलायची पाउडर छोटा चम्मच है, एक छोटा चम्मच। फूड कलर ये आप अवॉइड कर सकते हो, अगर आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद है तो मत डालिए। वैसे अगर आप डालोगे तो मिठाई का कलर बहुत अच्छा आएगा। चलिए अब बनाते हैं कि ये मिठाई कैसे बनती है, स्टार्ट करते हैं। आइए, तो इसके लिए सबसे पहले हम गैस जलाते हैं और कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गरम हो रही है तब तक हम इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे। ये आधी कटोरी सूजी, और इसको भूनना है, और इसे तब तक भूनना है जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए, और आपको जो फ्लेम है वो धीमी रखनी है, स्लो। चलिए हम आपसे मिलते हैं सूजी के ब्राउन हो जाने के बाद। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने भून लिया है, और इसका कलर भी देखिए हल्का सा गोल्डन ब्राउन में हो गया है। इतने तक आपको भूनना है, उसके बाद आपको डालना है पहले आप दूध डालेंगे हल्का हल्का। एक बार आधा डाल के इसको भूनना है। दूध आपको धीरे धीरे डाल के भूनना है। अगर आपके पास दूध कम है या उस समय अवेलेबल नहीं है तो जितना दूध है उसमें आप थोड़ा पानी मिला के भी डाल सकते हो, मीन्स इसको आप पानी के साथ भी बना सकते हो। ये मैंने दूध डाल दिया इसका। अब हम इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा, जिसे बोलते हैं हम लोग, सूखा हुआ नारियल पाउडर, इलायची पाउडर, इससे टेस्ट अच्छा आएगा।
जो हमने चीनी ली थी उसमें थोड़ी सी चीनी इसमें डाल दीजिएगा, 2 चम्मच मुश्किल से। आप चाहे तो चीनी अवॉइड कर सकते हो, लास्ट में डाल सकते हो, लेकिन चीनी अगर आप डालोगे तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि कैसे खा सकते हो इसको। इसको भूनिएगा, ये आटे जैसा तैयार हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता क्योंकि ये सूजी है, 2 मिनट में तैयार हो जाएगा आटे जैसा। आपको मिलाना है सारे सामान के साथ। आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ और ये मिठाई होता है, पर फ्रेंड्स ये सूजी का हलवा नहीं है, ये मिठाई है। मैं आपको दिखाऊंगी अभी लास्ट में कि कैसे अलग है ये। तो फ्रेंड्स देखिए ये आटे जैसा तैयार हो गया है, अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं, ठंडा हो जाए थोड़ा। और जब तक ये ठंडा होता है तब तक हम इसका शीरा बना लेते हैं, चाशनी। सो फ्रेंड शीरे के लिए आपको एक बर्तन लेना है, उसमें डालना है पानी और चाशनी बनानी है। और चाशनी कोई भी एक तार या दो तार की नहीं बनानी है, सिंपल बस जरा सा गाढ़ा हो जाए चीनी के साथ। ये चीनी इसमें आप डाल दीजिए। इस करछी से इस पानी को चलाते रहिएगा ताकि नीचे चीनी पकड़े नहीं। फ्रेंड्स उसमें जो थोड़ा सा आपका इलायची पाउडर बचा था वो इसमें डाल देना है। ये 1/2 चम्मच वो फूड कलर है मैं डाल रही हूँ, मेरे पास है तो आप इसमें डाल दीजिएगा। छोटा चम्मच डालिएगा, एकदम 1/2 चम्मच, छोटे वाली जो चम्मच होती है, आपके पास जो भी कलर अवेलेबल है आप वो डाल सकते हो। चलिए अब चाशनी बना के मैं आपसे मिलती हूँ। फ्रेंड्स आपको ऐसे तेज़ आँच में इसका शीरा बनाना है, देखिए ऐसे खोल रहा है, अभी गाढ़ा नहीं हुआ है, जब गाढ़ा होगा तो मतलब ये शीरा तैयार। ऐसे आपको आटे की तरह आटे का जो डो होता है वैसा रेडी कर लेना है। उसके बाद इसकी एक नींबू के साइज का मिक्सचर ले लीजिए और थोड़ा सा हाथ में घी लगा लीजिए, आपको लड्डू बनाना है। तो फ्रेंड्स ये हमारी चाशनी तैयार हो गई है, देखिए इसमें कोई भी तार नहीं बन रहा है, इतने में हम इसको बंद कर देंगे। ये चाशनी तैयार हो गई, अब आपको दिखाते हैं कि जो हमने बनाया था, जो हमने ये मिक्सचर बनाया था उसको आपको आटे की तरह अच्छे से मैश करके गूंद लेना है। अगर आपको इस पे ऐसे डिज़ाइन बनानी है तो आपका जो छानने वाला आता है इतना, ये इसको सिर्फ ऐसे करके दबा दीजिए, देखिए डिज़ाइन बन जाएगी। अब हम इन सारी पेड़ों को तलेंगे, तलने के लिए हमें एक कढ़ाई चाहिए और तेल। तो फ्रेंड्स हमने ये तलने के लिए कढ़ाई में तेल डाल दिया और तेल गरम हो रहा है, तेल से जब थोड़ा थोड़ा धुआं सा उठने लगे तब आपको तलना है। हमारा तेल ये गरम हो गया है, इसमें आपको
चेक करने के लिए इसका थोड़ा सा मिक्सचर डाल के देख लीजिए कि गरम हो गया नहीं। ये देखिए गरम हो गया। अब हम डालेंगे इसमें ये टिक्की। धीरे धीरे डालिएगा वरना ये फूट सकते हैं। देखिए एक साइड ये हो गया है तो आपको वो धीरे से पलटना है दूसरे साइड भी ताकि पक जाए। फ्रेंड्स तलने के बाद ये ऐसे दिखते हैं। मैंने आपको बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप इसमें चीनी मिलाओगे तो क्या फ़ायदा होगा। अगर आप चीनी मिलाते हो तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हो। देखिए कितने सॉफ्ट है। अगर आपको हमारे यहाँ बोलते हैं ठकवा ऐसे कुछ बोलते हैं मीठी पूड़ी ऐसा कुछ खस्ता टाइप का आपको टेस्ट में लगेगा अगर पसंद है तो आप ऐसे भी खा सकते हो। चलिए अब हम आगे की जो हमारा प्रोसेस है उसको बढ़ाते हैं। ये शीरा है, शीरे में हम इसको ऐसे अभी डालेंगे एक एक करके। ये टूटा हुआ भी हम डाल देते हैं इसमें और चम्मच से इसको ऐसे पलट देंगे। और इसको हम 20 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे ताकि जो शीरा है वो हमारी मिठाइयों के अंदर तक चला जाए। तो हम आपको 20 मिनट के बाद इसकी प्लेटिंग करके दिखाते हैं कि ये कैसा लगेगा। तो फ्रेंड्स ये हमारी मिठाई बनके तैयार हो गई है सूजी की। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हो, मैं सूजी रसभरी बोलती हूँ। ये आप घर में एक बार ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कैसी लगी। इसको गार्निश करने के लिए मैंने जो बचे हुआ नारियल का बुरादा था वो और पिस्ते से इसको गार्निश किया। आप वैसे भी खा सकते हो अगर गार्निश नहीं करना चाहते हो तो, पर गार्निश करने में थोड़ा अच्छी लगती है। तो रक्षाबंधन के त्यौहार पे आप ये मिठाई एक बार ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मुझे सपोर्ट करिए। कोई आइडियाज़ हो जिससे मेरा चैनल और इम्प्रूव हो सकता है, बेटर हो सकता है, वो मुझे कमेंट में बताइए। ये रेसिपी ट्राई करिए और आप सभी को मेरी तरफ से आतिक्षा'स ब्लॉग की तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। Thanks for watching this video. Please share and subscribe my channel.